हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल से आपका पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी पोएम है द लेबनम टॉप जिसके पोएट हैं टेड ह्यूज। द लेबनम टॉप जो आपकी पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर्स की ये वॉल्यूम नंबर 1 है। जल्द ही वॉल्यूम नंबर 2 आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार और सुजाता पर अपलोड कर दी जाएगी। रिटन फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर्स आपके अपनी वेबसाइट parikshasafalta.com पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर पाएं और बाद में उनको जब चाहें तब लर्न और रिवाइज कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहां जो पैटर्न अडॉप्ट किया है वो ये है कि ज्यादातर जब आप स्टडी मटेरियल यूज करते हैं जो आपके पास होता है, आपके पास जो नोट्स होते हैं उनमें आपको ढेरों सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनके ढेरों सारे आंसर्स हो जाते हैं। हमने केवल एक ही चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है, बल दिया है, वो ये कि क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सभी एक साथ लिख के स्टूडेंट्स को बतलाया जाए और ये बतलाया जाए कि इतने सारे क्वेश्चंस का ये एक ही आंसर बनता है तो स्टूडेंट्स को कम से कम लर्न करना पड़ेगा और अच्छे से वो समझ पाएंगे, सोच का दायरा भी स्टूडेंट्स का बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम। द लेबनम टॉप जो आपकी पोएम है इसकी बिगनिंग और एंडिंग के अंदर आपने क्या सिमिलरिटी देखी, क्या इस पोएम की बिगनिंग और एंडिंग में जैसा लेबनम टॉप दिखलाया गया है उसमें क्या कोई समानता है। व्हाट हैज बीन सेड अबाउट द लेबनम टॉप। लेबनम टॉप के बारे में ये जो पोएम है आपकी द लेबनम टॉप, इस पोएम में लेबनम टॉप के बारे में, लेबनम एक पेड़ का नाम है, उसके टॉप शिखर के बारे में क्या बतलाया गया है। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम एंड व्हाट शोज दैट इट्स द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन पतझड़ का मौसम। कौन सा महीना है, किस महीने के अंदर ये लेबनम टॉप दर्शाया गया है पोएम में और आपको कैसे पता चलता है कि ये मौसम जो है वो पतझड़ का मौसम है। ढेर सारे क्वेश्चंस इकट्ठे किए, आंसर देखिए आप। द लेबनम टॉप इज अ ब्यूटीफुल पोएम बाय टेड ह्यूज। देखिए ये आपको पता ही है, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि लेबनम टॉप जो पोएम है एक सुंदर सी कविता है और जिसके पोएट हैं टेड ह्यूज, TED, टेड HUGHES, टेड ह्यूज। The Lebanon top is still and silent both in the beginning and ending of the poem. देखिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो लेबनम टॉप है वो शुरुआत में और आखिर में अगर हम देखें तो वहां सिमिलरिटी है। लेबनम टॉप स्टिल एंड साइलेंट है, चुप और स्थिर है, यानी कि उसके अंदर कोई भी मूवमेंट, कोई भी हलचल नहीं देखी जा सकती। द लेबनम टॉप इज अ ब्यूटीफुल पोएम बाय टेड ह्यूज। द लेबनम टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट बोथ इन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम। अब देखिए हमने 2 लाइंस यहां पोएम में से ली क्योंकि जो पोएम्स हैं उनकी लाइंस को या आप स्टेंजाज को लर्न करना काफी इंटरेस्टिंग होता है, स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं, तो आप यहां लर्न करके भी इन लाइंस को अपने आंसर में लिख सकते हैं। देखिए, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो यहां देखिए आप नोट करेंगे, आफ्टरनून दोपहर का समय, येलो कलर दर्शाया गया है, सितंबर का मंथ है, दोपहर में जो सूरज की, सन की जो लाइट है वो येलो सनलाइट दिखलाई गई है, यानी कि सितंबर मंथ है और दोपहर का समय है, आफ्टरनून का टाइम है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब ये देखिए समझने की बात है, पेड़ के लेबनम जो ट्री है उस पेड़ के कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं और सभी बीज उसके गिर चुके हैं, झड़ चुके हैं, तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कौन से मौसम में
पत्ते पीले होते हैं, पत्ते पीले होकर नीचे गिरते हैं, बीज या जो फूल है वो नीचे गिर जाते हैं ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में ऐसा होता है। तो देखिए अब हम यहां लर्न करेंगे, आफ्टर रीडिंग दीज लाइंस वी कम टू नो दैट द मंथ ऑफ सेप्टेंबर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोयम। ये लाइंस पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सितंबर का महीना जो है इस कविता के अंदर बतलाया गया है, सितंबर के महीने का इस पोयम के अंदर जिक्र किया गया है। द लीव्स ऑफ द ट्री आर टर्निंग येलो एंड ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन। जो ये पेड़ है, लेबनम ट्री है, इसके पेड़ के कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं और इसके सभी बीज नीचे गिर चुके हैं। ऑल दिस इंडिकेट्स दैट इट्स द ऑटम सीजन। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि ये ऑटम सीजन है, ये पतझड़ का मौसम है। पूरा कंप्लीट आंसर आप दोबारा से देख लीजिए। द लेबनम टॉप इज अ ब्यूटीफुल पोएम बाय टेड ह्यूज। द लेबनम टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट बोथ इन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम। अब टू लाइंस ये हमने पोएम से ली। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेंबर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। आफ्टर रीडिंग दीज लाइंस वी कम टू नो दैट द मंथ ऑफ सेप्टेंबर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम। द लीव्स ऑफ द ट्री आर टर्निंग येलो एंड ऑल इट्स सीड्स हैव फॉलन। ऑल दिस इंडिकेट्स दैट इट इज द ऑटम सीजन। Question number 2, what happens when the goldfinch enters the thick branches of laburnum? Thick branches of laburnum, ये जो laburnum tree है, इसके जो branches हैं, शाखाएं हैं, वो thick हैं, घनी हैं, सघन हैं, और goldfinch, मादा, ये bird है, पक्षी है, ये जब goldfinch की branches के अंदर घुस जाती है, तो क्या होता है? The whole tree starts trembling with a thrill of pleasure. Various sounds like tremor of wings, trillings, and chitterings can be heard. The whole tree starts trembling with a thrill of pleasure. Various sounds like tremor of wings, trillings, and chitterings can be heard. तो यहां आप देखिए, the whole tree starts trembling with a thrill of pleasure. पूरा का पूरा जो पेड़ है वो thrill of प्लेजर यानी कि आनंद के रोमांच के साथ में कांपने लग जाता है, और बहुत सारी जो साउंड्स हैं वो हम यहां सुन सकते हैं। ट्रेमोर ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाना, ट्रिलिंग्स, स्वर ध्वनि, चिटरिंग्स, चू चू की आवाज, ये स्वर जब गोल्डफिंच बर्ड लेबनम ट्री की ब्रांचेज के अंदर घुस जाती है तब हमें सुनाई देते हैं। आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, जल्द ही वॉल्यूम नंबर 2 में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।